हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मकर राशि के जातकों के बारे में कि जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। वो राजनीति में जाएंगे या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे, व्यापार करेंगे या कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कार्य करने वाले हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने वाले हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, या विदेश यात्रा का योग बन रहा है, या पढ़ाई के लिए विदेश जाएंगे। ये सारी बातें बताएंगे और आपके अपने जो ऊपर के लोग हैं या नीचे के लोग हैं जिनके साथ आप कार्य करते हैं, जो सहयोगी रहेंगे उनके साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे, माली हालत कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और सिविल सर्विस में आने का योग है कि नहीं, आज आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है या नहीं, या विदेश यात्रा का योग बन रहा है या प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा और आपको सावधानियां क्या बरतनी है और आपको आज उपाय क्या करना है, ये सारी बातें आज हम आपको विस्तार में बताने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन काफी उतार चढ़ाव लिए हुए रहेगा। तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, चुनौतियां आ सकती हैं, तो साझेदारी में कोई कार्य न करें और अज्ञात व्यक्ति से कोई लेन देन न करें। यदि आप इंडस्ट्री वगैरह लगाना चाहते हैं तभी थोड़ा रुकने की जरूरत है। यदि आप प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में अगर पूंजी निवेश करना चाहते हैं तभी थोड़ा सा संभल कर रहे, अभी थोड़ा वेट करें समय का, उसके बाद आप किसी फील्ड में लगे आपके लिए बेहतर रहेगा। दोपहर के बाद आपके सारे कार्य अनुकूल होने लगेंगे, विरोधी परास्त होंगे, रोग और शत्रु परास्त होंगे, माता पिता का सुख मिलेगा, आपके आत्मबल में, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी अगर पुराना कोई पेंडिंग है या अगर उस पर लिटिगेशन वगैरह चल रहा है तो उसमें आज आपको विजयश्री मिल सकती है। अपने वाणी पर कंट्रोल करें, कौन सी भाषा कब कहाँ प्रयोग करना है इसका ध्यान रखना। कई बार आपके अच्छे संबंध बाड़ी की वजह से खराब हो जाते हैं, तो संबंधों को मेंटेन करने की जरूरत है। पत्नी की सेहत को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। पारिवारिक जो दायित्व है, जो परिवार में होने वाली जिम्मेदारियां हैं, उसको आप पूर्ण कर लेंगे और माता जी का, पिताजी का, सबका सहयोग मिलेगा। कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं तो उसमें बड़ों का थोड़ा सा एडवाइस लेके करना आपके लिए हितकर होगा। संततियां बहुत अच्छा करेंगे, संतान पक्ष के लिए बढ़िया है। हेल्थ वेल्थ दोनों ठीक है। यदि नए प्रकार का कोई भी प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी बड़े लेवल पर कार्य करें या कोई कंपनी बना ले या निर्माण कार्य करें या कंस्ट्रक्शन का कार्य करें, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, धैर्य के साथ करें और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। संतान पक्ष से मन प्रसन्न रहेगा, संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। विरोधी काफी सक्रिय होंगे, रोग और शत्रु उससे थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पत्नी को सरकारी नौकरी, उच्च पद मिलने की भी संभावना बन रही है, तो पत्नी के लिए, सेहत के लिए समय आपका काफी अच्छा है। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है? आज आप सरसों के तेल का दान करें, ओम सं सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। काला तेल, सरसों का तेल दान करना अच्छा रहेगा, गरीबों को भोजन कराना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और आज आपके लिए शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है सफेद। हरे कृष्ण।